हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 टू 9 सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर आपको क्लास 9 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम रैशनल नंबर के वैसे एग्जाम्पल देखेंगे जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू जीरो नहीं है और पी और क्यू में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। और उन एग्जाम्पल के देखने के बाद क्या हम ये बता पाएंगे कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी है जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले हम वो 4 एग्जाम्पल लेंगे जो कि इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट मैं लेता हूँ 1/10, ठीक है, रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा 0.1 जो कि टर्मिनेटिंग है। सारे इसके अंदर आ गए। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं 4/5, इसका एक्सपेंशन आएगा 0.8। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं 7/8, इसका एक्सपेंशन आएगा 0.875, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। लास्ट में ले रहा हूं 3/4, इसका आएगा 0.75, ठीक है। सारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और सब में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और सब के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। हमें क्या बताना है, क्यू की प्रॉपर्टी। तो क्यू पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो 1/10 को हम लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो क्यू है इसके फैक्टर क्या क्या हैं, 2 है और 5 है, ठीक है। इस केस में, इस एग्जांपल में फैक्टर क्या है क्यू के, सिर्फ 5 है, 7/8, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7/2 × 2 × 2। इस केस में क्यू के फैक्टर क्या है, सिर्फ 2, 3/4, 3/2 × 2, इस केस में क्यू के फैक्टर क्या है, 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्यू के फैक्टर या तो 2 हैं या 5 हैं या 2 और 5 हैं। तो हम कह सकते हैं क्यू मस्ट हैव इधर 2 और 5 और 2 और 5 बोथ एज इट्स फैक्टर। तो ये लिखना है, लिख देते हैं, क्यू मस्ट हैव इधर 2 और 5 और 2 और 5 बोथ एज इट्स फैक्टर। तो क्यू की यही प्रॉपर्टी थी जो वो सेटिस्फाई कर रही थी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 नंबर्स बताने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे, मींस नॉन रिपीटिंग होंगे। तो फर्स्ट हम समझेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। वो है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब रैशनल इरेशनल नंबर हम पहचानेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? सबसे बेस्ट इजी तरीका है कि अगर किसी प्राइम नंबर पे स्क्वायर रूट लगा हो तो वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, तो चाहे √2, √3, √5, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल जो लिए हैं वो है √2, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.4142, चलता चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, √3, इसका एक्सपेंशन होता है 1.7320, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। √5, ये होगा 2.236067। यही 3 एग्जांपल हैं, मैंने आपको बता दिया कि जितने इरेशनल नंबर हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और पहचानेंगे कैसे इरेशनल नंबर को, प्राइम नंबर ले लीजिए और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, वो सारे इरेशनल नंबर हैं। 2, 3, 5 तीनों ही प्राइम नंबर थे, स्क्वायर रूट लगा दिया तो इरेशनल बन गए। और ये क्या है उसके डेसिमल, ये 3 नंबर हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 and 9/11। आपको 2 रैशनल नंबर गिवन है 5/7 and 9/11 और इसके बीच में आपको 3 डिफरेंट रैशनल नंबर निकालना है। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि दोनों को पहले आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कीजिए। करते हैं, पहले मैं ऐसे करता हूँ, 7/5 को तो डिवाइड कीजिए,
फाइव को सेवन से नहीं जाएगा, डेसिमल देंगे जीरो, सेवन सेवन जा 49, वन रिमेनिंग बचा, ठीक है 10 हो गया, वन टाइम में जाएगा सेवन, तो थ्री हुआ 30, सेवन फोर जा 28, टू हुआ 20, सेवन टू जा 14, सिक्स, सेवन एट जा 56, दैट इज फोर 40, सेवन फाइव जा 35, दैट इज फाइव। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 5 को डिवाइड करना और रिमाइंडर में 5 आ गया, इसका मतलब ये सारे डिजिट अब रिपीट होंगे। तो 5 अपॉन 7 जो आया वो आया आपको 0.714285, ये पूरा रिपीट होगा तो पूरे पे बार डाल देंगे। अब आते हैं 9 अपॉन 11 में, डिवाइड करते हैं 9 को 11 से, डिवाइड कीजिए 9 नहीं जाएगा, डेसिमल देंगे 90, 11 8 जा 88, 2 हुआ 20, वन टाइम में जाएगा 11, 9 स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमने 9 से स्टार्ट किया था डिवाइड करना, फिर 9 आ गया, इसका मतलब ये अब रिपीट होगा फिर से। तो 9 अपॉन 11 आया 0.81 पे बार। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 0.714285 इस पूरे पे बार है, और दूसरा वाला जो है वो है 0.81, ठीक है। आप सिर्फ इसके फर्स्ट दो डिजिट को देखिए, ठीक है, 71 है यहाँ पे, 81 है, तो 71 के बाद क्या आता है 72, आप लिख लीजिए 0.72। अब यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 01, दो नंबर मैंने चूज किया 01, 01 लिखा, फिर 001 लिखा, फिर 0001 लिखा, इस तरह से ये क्या हुआ, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा निकालना है तो 0.73 कर दीजिए, अब जहाँ पे 01 लिया था तो 02 कर सकते हैं आप, 02 मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं, 002, 00002, सो ऑन, 0.75 भी कर सकते हैं, 74 भी कर सकते हैं, 03, 003, 0003, तो ये आ गया आपको 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 अपॉन 7 एंड 9 अपॉन 11। ये निकालना है, उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके बीच में। क्वेश्चन 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। ये नंबर गिवन है, आपको बताना ये रैशनल है ये इरेशनल है। फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट है अंडर रूट 23। तो देखिए, जिस नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो वो इरेशनल होता है। इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते इंटीजर में, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और मैंने बताया है प्राइम नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आएंगे वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड, अंडर रूट 2 to 5, ये रैशनल है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर था तो ये 15 हो गया, तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल। हाँ, अब है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल है, बाकी सारा रैशनल होता है। ये क्या है 0.3796, टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रैशनल। मैंने सिर्फ एक एक्सेप्शन बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल होता है, ये रैशनल हो गया। फोर्थ है 7.478478, यहाँ पे रिपीट हो रहा है 478, मतलब यहाँ पे क्या है 7.478 पे बार है, तो ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में रिपीटिंग भी है। फिफ्थ, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, यहाँ पे 10 है, उसके बाद 00 है, फिर 000 है, ये क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल। इस तरह से मैंने 6 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट से पूछे, वेलगेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए।